लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच हुई तेज। ईडी ने ठेकेदारों सहित 34 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। चैनलाइजेशन प्रोजेक्ट और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। मथुरा के शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल के जलाभिषेक के ऐलान पर संग्राम। जल लेकर मथुरा पहुंचे हिंदू महासभा के पदाधिकारी को पुलिस ने हिरासत में लिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोरों पर। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की निर्माण की नई तस्वीरें। अलौकिक और भव्य मंदिर निर्माण की दिख रही है झलक। चंपावत में वन विभाग की टीम ने आखिरकार हमलावर गुलदार को पकड़ लिया। गुलदार को पकड़ने के लिए नैनीताल से एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई थी। गाजियाबाद में दुकान में लगी आग ने घर को भी किया तबाह। आग के लपटों में लाखों का सामान जलकर खाक। आग लगने की वजह साफ नहीं। लखीमपुर खीरी में डबल डेकर बस पेड़ से टकराकर पलटी। हादसे में 15 लोगों को आई हल्की चोटें। 3 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जिला अस्पताल के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है घायल सास का इलाज। दोनों में किसी बात को लेकर हुई थी बहस। श्रीनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। 13 ग्राम स्मैक के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। विधानमंडल की शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज अनुपूरक बजट पर चर्चा। सीएम योगी और अखिलेश यादव आज बजट पर रखेंगे अपनी बात। निकाय चुनाव का काउंटडाउन जारी। नई लिस्ट ने बदल दिया समीकरण। जल्द हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस आज। बसपा प्रमुख मायावती ने बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। बसपा ऑफिस में कार्यक्रम का आयोजन। ज्ञानवापी विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई। दोपहर 2 बजे जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कमी बनी। चार धाम यात्रा में जानलेवा। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने खोली स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल। बोले बेहतर इक्विपमेंट और मैन पावर की कमी से हुई तीर्थयात्रियों की। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के स्थापना दिवस देहरादून में कार्यक्रम आयोजित। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल होंगे। पहाड़ पर संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ नमन कार्यक्रम शुरू करेगी कांग्रेस। कांग्रेस की नीतियों को लोगों को दी जाएगी इसकी जानकारी। वोटर लिस्ट में लोगों के नाम भी जोड़े जाएंगे। मैनपुरी में स्ट्रांग रूम के पास वैन में मिले 2 ईवीएम। सपा कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा। अधिकारियों ने कहा खराब होने पर इस्तेमाल के लिए थी ये ईवीएम। बागपत के बड़ौत में 5 दिन पहले हाईवे पर मिले घायलों की मौत के बाद हुआ बवाल। घायल छात्र के उपचार के दौरान हुई मौत। मऊ के शहीद स्मारक परिसर में अवैध रूप से बने 3 मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जेसीबी चलाकर किया गया धराशायी। शहीद स्मारक के सौंदर्यकरण का चल रहा है काम। अल्मोड़ा में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर छात्रों ने मोर्चा खोला। विश्वविद्यालय परिसर में जमकर किया प्रदर्शन। बागपत के सरूरपुर कला गांव में सिपाही को बंधक बनाकर मारपीट मामले में पुलिस ने दर्ज किया मामला। 2 महिलाओं को कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। घायल सिपाही का किया जा रहा है वाहन मौके से हुआ गायब। नोएडा में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने किया ट्रैफिक व्यवस्था का निरीक्षण। छोटे बड़े वाहन रेगुलेट करने की तैयारी। परी चौक पर फुट ओवर ब्रिज ईवे बनाने पर विचार। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जिला चिकित्सालय पौड़ी में डायलिसिस यूनिट का किया उद्घाटन। कहा प्रदेश के सभी जिले में डायलिसिस यूनिट की होगी शुरुआत। मुख्य सचिव ने दुनिया के सबसे छोटे भारतीय वैज्ञानिक बच्चों से मुलाकात की। बताया कि विशेष इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाई हैं। ये भी बच्चे आने वाले वक्त के बड़े वैज्ञानिक बने। नौकरी नहीं मिलने पर 2 युवकों ने खोली चाय की दुकान। नाम रखा आगरा के पनौती चाय वाले। दुकान पर मिलती है सरकारी नौकरी, सोशल मीडिया और बेरोजगार चाय। बस्ती में नेशनल हाईवे पर छुट्टा जानवरों से टकराकर पलटी विधायक की कार। रुद्रपुर में देर रात गंगापुर के जल मंदिर में गिरी कार डूबी। ग्रामीणों ने सवार 3 लोगों को बचाया। एक वाहन को टक्कर मारने के बाद तालाब में गिरी थी कार। रामनगर में युवक की हत्या के आरोप में 4 अरेस्ट। पुलिस टीम को एसएसपी ने 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। नशे में की गई थी हत्या। रुद्रपुर में काम में लापरवाही करने पर 5 उप निरीक्षकों को किया गया लाइन हाजिर। कुंडेश्वरी चौकी में तैनात उप निरीक्षक के खिलाफ भी लिया गया एक्शन। प्रोफेसर जगत सिंह बिस्ट को अल्मोड़ा विश्वविद्यालय का कार्यभार। राज्यपाल ने दिए आदेश। हाईकोर्ट ने रद्द की थी प्रोफेसर नरेंद्र सिंह भंडारी की नियुक्ति। कानपुर में 2 कारों के ओवरटेक करने को लेकर एक्सीडेंट हुआ। हादसे में कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल। बागपत में महिला ग्राम प्रधान से मारपीट और बेरहमी की वारदात। 3 दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया मामला। 2 पक्षों के बीच विवाद को शांत कराने पहुंची महिला प्रधान से हुई थी मारपीट।
बस्ती सीएचसी में दो स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच मारपीट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले के जांच के आदेश दिए। नोएडा में व्यापारियों पर जीएसटी विभाग ने छापा मारा, छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप, शहबीरी समेत नोएडा में जीएसटी विभाग ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। अमेठी के जायस में जीएसटी के अधिकारियों ने की छापेमारी, अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर अंकित सिंह के नेतृत्व में दो हार्डवेयर शॉप पर छापेमारी। आजमगढ़ में फर्नीचर के शोरूम में जीएसटी की टीम की छापेमारी, उच्च अधिकारी के निर्देश पर आजमगढ़ संभाग के डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में छापा मारा। हमीरपुर के सुमेरपुर में जीएसटी टीम ने की छापेमारी, लाल फहीम बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में हुई छापेमारी, सुमेरपुर गल्ला मंडी के बगल का मामला। आगरा में ताज इंटरनेशनल पर जीएसटी का छापा, ताज इंटरनेशनल पर होता है जूते के चमड़े और फॉर्म का कारोबार, शकील अहमद ताज इंटरनेशनल के हैं मालिक। शामली सदर कोतवाली क्षेत्र के फव्वारा चौक पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी, इनकम टैक्स की छापेमारी से दुकानों में हड़कंप। सहारनपुर में शहर से लेकर देहात तक जीएसटी विभाग की छापेमारी से हड़कंप, जिले में एक साथ 10 से ज्यादा पॉइंट्स पर छापेमारी की कार्रवाई, छापेमारी से कई दुकानदार शटर बंद करके कार्रवाई से बचने के लिए दर्द। रुड़की में अनाज टंकी में मिले युवक की हत्या का खुलासा, पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार। टिहरी में यूनियन बैंक में हुए करोड़ों के घोटाले का अभियुक्त गिरफ्तार, टिहरी पुलिस ने हरियाणा के पंचकुला से किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में बारात ले जाने से पहले मतदान केंद्र पहुंचा दुल्हा, बारातियों संग पहले डाला वोट फिर बारात लेकर शादी के लिए हुआ रवाना। बुलंदशहर में दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर लेकर आया दुल्हा, हजारों की संख्या में दुल्हा दुल्हन को देखने के लिए उमड़ी भीड़, धूमधाम से हुई विदाई। बस्ती में छुट्टा जानवरों को पकड़ने का दावा हुआ फेल, NH-28 पर आए दिन हो रही दुर्घटनाएं, पूर्व मंत्री जयप्रकाश निषाद और विधायक देवरिया की फॉर्चूनर कार हुई दुर्घटना। रुड़की के भगवानपुर में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, हत्या के आरोपी एक महिला और एक नाबालिग सहित चार लोग गिरफ्तार, लेन देन के मामले में की गई युवक की हत्या, गेहूं की टंकी से बरामद हुआ था। कानपुर में प्रेमिका की हत्या के आरोपी में शादीशुदा प्रेमी गिरफ्तार, प्रेमी पर शादी का दबाव बना रही थी प्रेमिका। नोएडा के सेक्टर 100 में चेकिंग के दौरान बाइक सवार की पुलिस से हुई मुठभेड़, एनकाउंटर में गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती, कब्जे से केटीएम बाइक, अवैध तमंचा एक मोबाइल हुआ बरामद। अयोध्या में आक्रोशित वकीलों ने रिकाबगंज शहादतगंज मार्ग पर कचहरी के पास जाम लगाकर अयोध्या पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रयागराज में शराब के नशे में युवक युवती ने किया जमकर हंगामा, हंगामे को देखकर लोगों की भीड़ जमा हुई, नशे की हालत में कई गाड़ियों को मारी टक्कर। काशीपुर में बाइक सवार स्कूली छात्राओं को कैंटर ने मारी टक्कर, हादसे में 3 गंभीर रूप से छात्र घायल हो गए हैं, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। चमोली में बेकाबू बलेरो खाई में गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल, घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। गाजीपुर में सांसद अफजाल अंसारी सीजीएम कोर्ट में हुए पेश, 2001 में सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन के विरोध में दर्ज हुए थे मुकदमे। चंपावत में चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता, कैंटर से अवैध रूप से लाई जा रही आयुर्वेदिक औषधि, जड़ी बूटी बरामद, 5 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 2 दिन में खत्म करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार पर हमला बोला। गोड्डा में जिला अस्पताल के बेड पर आवारा कुत्ते के सोने का मामला सामने आया, वायरल वीडियो में फर्श पर लेटा नजर आया मरीज। देहरादून में राजभवन और सीएम आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा, प्रदर्शनकारी राजभवन कूच के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पिथौरागढ़ में मुंशियारी महोत्सव का आगाज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शुरुआत, स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। रुद्रपुर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मेडिकल कैंप का किया शुभारंभ, नेपाल से हुई पत्थरबाजी की घटना पर बोले नेपाल भारत का मित्र राष्ट्र है। टिहरी में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रों ने नई टिहरी पीजी कॉलेज में किया धरना प्रदर्शन, जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। भारत नेपाल को जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खुला, भारतीय क्षेत्र में नेपाल की ओर से की गई पत्थरबाजी पर गुस्साए व्यापारियों के आक्रोश के चलते 2 घंटे तक बंद रहा पुल। उत्तराखंड के अपने दुग्ध उत्पादन ब्रांड आंचल के आंचल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में खोले जाएंगे आंचल कैफे, देहरादून के घंटाघर स्थित MGDA कॉम्प्लेक्स में आंचल कैफे का शुभारंभ हुआ है।
रामनगर में जल्द ही साल भर के लिए खुलेगा सीतावनी जोन। अधिकारियों ने शुरू की तैयारी। कॉर्बेट की तर्ज पर बनाया जा रहा है फाउंडेशन। जोशीमठ में विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में पहली बार फिश रेस का आयोजन। अगले दो से आठ फरवरी में नेशनल और इंटरनेशनल फिश रेस का आयोजन कराने के लिए। अलीगढ़ में सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते किसानों की सैकड़ों बीघा आलू और गेहूं की फसल बर्बाद। किसानों का आरोप, सिंचाई विभाग ने पानी छोड़ा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बैठक में सदन का कामकाज सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा। आज होने वाली बैठक में पीएम मोदी के भी मौजूद रहने की संभावना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।